दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजे तंत्र चिकित्सा में। आज एक नुस्खा मैं लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, कमाल का नुस्खा है, उपाय है। और उपाय क्या है? स्त्री पुरुष वशीकरण दोनों का वशीकरण आप कर सकते हो अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो। बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बस सब्सक्राइब ही कर लेना, ज़्यादा कुछ मत करना, आइकन दबाना मत दबाना, कभी तो मिलेंगे ही देखने को वीडियो हमारी। तो स्त्री वशीकरण या पुरुष वशीकरण के लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर है, आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सस्ता, बहुत ही सिंपल नुस्खा है, बहुत ही कमाल का नुस्खा है। तो करना क्या है, आपने भृंगराज आपने सुना होगा, भृंगराज का पौधा होता है एक, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, इसे भृंगराज बोलते हैं। इसकी आपको जड़ लेके आनी है, भृंगराज की जड़ लेके आनी है आपको। जड़ लेके आने के बाद फिर आपको क्या करना है, जड़ लेके आने के बाद फिर उसको, उसकी जड़ को लाने की विधि मैं बता दूँ आपको किस तरह से लानी है। आपको सबसे पहले शनिवार या मंगलवार वाला दिन होना चाहिए, ठीक है। अब इन दो दिनों में से कोई सा दिन चूज करके आप भृंगराज का जहाँ पौधा हो वहाँ पे जाके आप उसके मतलब इस तरह से हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के विनती करो और उसे बोलो कि मैं आपको किसी के वशीकरण के लिए लेके जा रहा हूँ, मेरा काम बनना चाहिए, मतलब पूरी श्रद्धा से, ठीक है। अब ये बोलने के बाद फिर उसकी जो जड़ है उसको आप निकाल लो। जड़ निकालने के बाद फिर उस जड़ के टुकड़े करो छोटे छोटे, जड़ निकालने के बाद छोटे छोटे एक एक इंच के, आधा आधा इंच के टुकड़े कर लो। टुकड़े करने के बाद आप उसे किसी बॉक्स में रखो, ऐसा हो, बॉक्स होना चाहिए आपका तांबे का या पीतल का, तो या तांबे का होना चाहिए, तांबे के बॉक्स में उसको डाल के रख दो। रखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे पूजा स्थल पे रख दो उसी दिन जिस दिन लेके आओ, चाहे शनिवार वाला दिन हो चाहे मंगलवार वाला दिन हो, ठीक है। पूजा स्थल पर रख के उसे पूरा दिन रखा रहने दो। अगले दिन जब आपको क्या करना है, अगले दिन आप में उसमें से एक जड़ का टुकड़ा निकालो और जहाँ भी जाओ, आप वसूली करने जाते हो, पैसा मांगने जाते हो तब डाल लो, आप किसी से मिलने जाते हो, स्त्री से, लड़की से, तब डाल लो, आप किसी दोस्त से मिलने जाते हो तब डाल लो, आप कहीं बाहर जाते हो तब डाल लो, आप मार्केटिंग करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तब डाल लो, मतलब कुछ भी करते हो तब डाल लो, इसको मुंह में डाल के और चूसते हुए चले जाओ, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको, ज़्यादा ना तो कोई मंत्र पढ़ना है ना कुछ करना है, बस इतना आप करोगे तो आपको सारी इन समस्याओं से निजात मिल जाएगी और आपको लाभ 100% होगा। आपके बस में जिसे भी आप चाहोगे उसे आप बस में कर सकते हो इस नुस्खे से। उसके अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए, जैसे कि वशीकरण रिंग या भस्म, तो मेरे पास वशीकरण रिंग रहती है काजल वाली, काजल मैं बना के तैयार करता हूँ, वो रिंग की नक की जगह पे उस काजल को लगा देता हूँ और वो आपको मिल जाएगी। तो ये भी स्त्री पुरुष वशीकरण के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आप किसी तरह का बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन के लिए बहुत ही अच्छी है और ख़ासकर आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप लेना चाहो तो मुझे बताना, और ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का, नमस्कार।